दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर सियासत तेज हो गई है। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बीजेपी नेता पहुंच गए हैं और गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे हैं वीरेंद्र सचदेवा। बता दें कि एक तरफ तो भलसवा लैंडफिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर लैंडफिल पर बीजेपी नेता पहुंच गए हैं। और ये तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं, कूड़े के पहाड़ पर सियासत अक्सर देखने को मिलती है। जब जब चुनाव आते हैं तो कूड़े का पहाड़ एक ऐसा मुद्दा बनकर उभरता है कि हर कोई उस पर दावे तो बड़े बड़े करता है लेकिन इस कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम नहीं की जाती है। लेकिन अब एक बार इस पर काम होना फिर से शुरू हुआ है और अब जिस तरीके से वायदे ये दिल्ली वासियों से किए जा रहे हैं कि इस कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से इस बार खत्म कर दिया जाएगा, उसी तरीके से काम के साथ साथ सियासत भी काफी तेज होती नजर आ रही है। जो ये दावा करते हैं कि जी हमने कूड़े के पहाड़ को कम कर दिया पिछले 8 महीनों में, झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब दिल्ली नगर निगम में शासन था उस समय प्रतिदिन यहाँ पर 4000 से 4500 मैट्रिक टन कूड़ा हम लोग उसका काम करते थे, उसको डिस्पोज ऑफ करते थे। कम हो रहा था लगातार। और उसमें हमारी दिल्ली नगर निगम उस समय जो भाजपा शासित थी और हमारे यहाँ के पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर, लगातार उनके प्रयासों से ये काम चल रहा था। लेकिन पिछले 8 महीने से जब से दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी का शासन आया है, मुख्यमंत्री सिर्फ पर्यटन के लिए यहाँ आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं और आज भी वो भलसवा डेयरी जा रहे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से, और वहाँ पर भी वो जो दावे कर रहे हैं उन दावों की सच्चाई भी हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मान के चलिए कि 1300-1400 मैट्रिक टन कूड़ा रोज बढ़ रहा है तो यहाँ कूड़े का एक दूसरा पहाड़ खड़ा हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, क्रेडिट वॉर शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो भलसवा में मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहां पर नजर आ रहे हैं बीजेपी। कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत तेज है, क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन पहाड़ों की जो अभी तक जो ऊंचाई कम होती नजर आई है वो सारा कार्य बीजेपी ने किया है अपने वक्त में, और रेमसीड में जब बीजेपी थी उस वक्त ये पूरा कार्य किया गया था। दिन रात यहां पर काम चल रहा था, लगातार यहां पर कई टन कूड़ा हटाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मेहनत की है ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि हमने जैसे ही एमसीडी में आए वैसे ही इन कूड़े के पहाड़ों पर काम करना शुरू किया और उसी तरीके से काम करते करते अब इन पहाड़ों की ऊंचाई जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और एक तय समय पर इन कूड़ों की जो ऊंचाई है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, इसको पूरी तरह से बराबर कर दिया जाएगा। और जिस तरीके की सियासत इस पर देखी जा रही है उस तरीके से अब देखना होगा कि क्या वाकई में इन कूड़े के पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो कम होती नजर आएगी। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुष्का गर्ग जुड़ गई है। अनुष्का, क्या कुछ अपडेट है, कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई कम हो रही है या नहीं, ये तो बाद में देखी जाएगी लेकिन इस पर क्रेडिट फोर अभी से शुरू हो गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ हम लोग गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मौजूद है और यहाँ पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश के जो अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जायजा लेने के लिए आए हैं आज, और साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप जो है उसका सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। लगातार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी सरकार जीती थी तो उन्होंने इस बात का दावा किया था कि 1 जनवरी 2023 तक ये जो पूरा कचड़े का पहाड़ है उसको कम कर दिया जाएगा, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक यहाँ पर कूड़े का जो पहाड़ है वो और ज्यादा बढ़ गया है। पर डे यहाँ पर 2500 टन कूड़ा जो है वो जमा होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो कूड़े के पहाड़ का जो क्वांटिटी है जिस तरीके से निस्तारण होना चाहिए वो निस्तारण जो है वो नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 786 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे जिसमें से 20% जो पैसे है वो आम आदमी पार्टी सरकार को दिए गए थे कूड़ा जो है उसको कम करने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से काम होना चाहिए था उस हिसाब से जमीन पे काम होता नजर नहीं आ रहा है ऐसा कहा जा रहा है। लगातार बार बार जो हम देख जो प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जो है देखने को मिलता नजर आ रहा है। इस वक्त हम लोग वही कूड़े के पहाड़ के पास मौजूद है, विजुअल्स जो है हमने आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि वही गाजीपुर का कचड़े का पहाड़ है जहाँ पर डे 2500 टन कूड़ा जो है वो डंप किया जाता है और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कूड़े का जो पहाड़ है आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जनता के साथ वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं ग्राउंड पे जमीन पे हम देख रहे हैं पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
बिल्कुल अनुष्का, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके से दावा एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई है वैसे ही तुरंत इन कूड़े के पहाड़ों पर काम करना शुरू कर दिया था और अब ऊंचाई जो है वो कम होती जा रही है, एक लक्ष्य जो है रखा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि इनकी ऊंचाई कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है लक्ष्य जो एक रखा गया है एक जो तय समय पर इन पहाड़ों की जो ऊंचाई है वो पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी और कार्य काफी तेजी से चल रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या नजर आ रहा है आपको, कितना सच है आम आदमी पार्टी के दावे और कितने सच हैं बीजेपी के दावे? बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जमीन पे ग्राउंड पे हम लोग, हमारी मौजूदगी है गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास जहां पर हर रोज 2500 टन कूड़ा जो है वो यहाँ पर आता है और लगातार उसको निस्तारण किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और यहाँ से हटाने के जो कवायद है वो जो है उसको अंजाम दिया जाता है। आम आदमी पार्टी जब एमसीडी में आई थी तो उन्होंने निश्चित तौर पर जनता से ये वादा जरूर किया था कि जो कूड़े की जो पहाड़ है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा और जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो लैंडफिल साइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से निस्तारण का काम चल रहा है कहीं ना कहीं कचड़े का जो ढेर है वो यहाँ पर जो है बढ़ता नजर आ रहा है और लगातार जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार पहुंच रही है बीजेपी से, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे, कार्यकर्ता के 7 लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से कचड़े का पहाड़ जो देखने को मिल रहा था वादे के मुताबिक तो पहाड़ जो है वो हटा देने को लेकर के जनता को दिलासा दिलाया गया था, लेकिन अब जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि पहाड़ जो है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर कूड़े का निस्तारण करना चाहिए था वो निस्तारण जो है वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है अनुष्का वहीं अगर बात करें तो मीनाक्षी लेखी ने तो ये कहा है कि कूड़े के पहाड़ में जो कम होते जा रही है ऊंचाई उसमें राज्यपाल का योगदान है और उन्हीं की मेहनत है जिसके चलते जो है ये ऊंचाई पहाड़ों की कम होती जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि पहाड़ों की ऊंचाई तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो किया जा रहा है और बार बार जो है इस बात को कहा जा, मीनाक्षी लेखी ने जिस तरीके से कहा था कि कूड़े के पहाड़ जो घट रही है उसका श्रेय कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को जाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात को लेकर के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर कूड़े का जो पहाड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया और अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कचड़े का जो पहाड़ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। पूरे फैक्ट्स के साथ यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं कि आखिर जब वादे किए गए थे तो वो वादे निभाए क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि जब बीजेपी यहाँ पर थी, ऐसा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ही कहना है कि बीजेपी जब यहाँ पर थी तो काम चल रहा था और जो जनता है उनसे किए हुए जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं डिलीवर किए जा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नाकाम रही, ऐसा जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन उसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं और देखते हैं मीनाक्षी लेखी के बयान को तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पहाड़ कम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल हैं उनकी वजह से कम हो रहे हैं, तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं लोग भी असमंजस में हैं कि आखिर बात किसकी सुनी जाए। बिल्कुल अनुष्का, बीजेपी जो है अपने बयान पर टिक नहीं रही है, एक तरफ दूसरी तरह का बयान आ रहा है तो दूसरी तरफ कुछ और ही बयान निकलकर सामने आ रहा है। अगर बात करें तो इस वक्त आप गाजीपुर लैंडफिल पर मौजूद है, वहां पर कार्य इस वक्त कितनी प्रगति के साथ चल रहा है, क्या लग रहा है कि क्या आने वाले वक्त में इस पहाड़ की ऊंचाई कुछ कम हो पाएगी ताकि लोगों को तो राहत मिले क्योंकि राजनीति तो इस पर चलती ही रहेगी, लेकिन कार्य वहां पर फिलहाल कैसा चल रहा है? बिल्कुल, राजनीति तो कचड़े के पहाड़ पर हमेशा से होती आई है, एमसीडी के चुनाव जब हो रहे थे तब भी इन चीज़ों को लेकर के जनता के साथ बहुत सारे वादे किए गए थे कि जब जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो कचड़े के पहाड़ को कम करने में कहीं ना कहीं बहुत सारा काम करेगी। गाजीपुर भलसवा या ओखला कचड़े जो लैंडफिल साइट है उसकी भी अगर हम बात करें तो सभी को कहीं ना कहीं कम करने को लेकर के वायदे जो है वो किए गए थे। पहले बीजेपी की सरकार थी उन्होंने भी यही वादे किए थे, लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इससे पहले बीजेपी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एमसीडी में थी और कचड़े का जो पहाड़ है वो जो जैसा देखने को मिल रहा था कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि तस्वीरें थोड़ी अलग जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। काम जो है लगातार यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं लगातार ट्रकों से कचड़े का जो निस्तारण है उसके काम को कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास रहते हैं, बगल में मंडी जो है वो भी लगाई जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं खासा जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है।